उत्तर प्रदेश का चुनाव किन मुद्दों पर होगा? प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जोड़ी विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में है। इसी कड़ी में मोदी ने गोरखपुर में दशकों से बंद पड़े खाद कारखाने को पुनर्जीवित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। अब इस फैक्ट्री में फिर से पहले की तरह यूरिया का उत्पादन शुरू हो गया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि गोरखपुर खाद कारखाने की क्षमता 60 लाख मीट्रिक टन है। ये कारखाना शुरू होने से देश भर में 60 लाख टन अतिरिक्त यूरिया की सप्लाई की जा सकेगी। गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। गोरखपुर खाद कारखाना और गोरखपुर एम्स के उद्घाटन को यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करके बीजेपी इसे अपना काम बताकर चुनाव में भुनाने की कोशिश भी करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि गोरखपुर का ये खाद कारखाना लगभग असंभव सा हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रामाणिक प्रयासों ने असंभव को संभव कर दिया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था। और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना यह नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बड़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है। कारखाने की शुरुआत 1961 में हुई थी। 1 जून 1961 को फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को निगमित किया गया। 1 अप्रैल 1978 को फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को रीऑर्गेनाइज किया गया और गोरखपुर, सिंदरी, तलचर, रामगुंडम, कोरबा, जोधपुर खाद कारखानों को FCIL को सौंप दिया गया। कुछ सालों तक FCIL ने सभी कारखानों को अच्छे से चलाया, लेकिन 90 के दशक की मंदी को FCIL झेल ना सका। खाद कारखाने घाटे में चलने लगे। हालांकि इसके पीछे एक और कहानी है कि कारखाने में अमोनिया लीक हो गई थी, उसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद कारखानों को बंद करना पड़ा। नवंबर 1992 में द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट ऑफ 1985 यानी सीका के तहत खाद कारखानों को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया। भारत सरकार बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ने कंपनी की संपत्ति को टेक ओवर भी कर लिया। साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इन खाद कारखानों को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार ने रिलीज कर दिया था। साल 2007 में जब घरेलू बाजार में यूरिया की शॉर्टेज हुई तो तत्कालीन यूपीए सरकार ने फिर से इन कारखानों को शुरू करने की कवायद की। 2008 में मनमोहन सरकार ने इन्वेस्ट यूरिया मुहिम चलाई। अक्टूबर 2008 में मनमोहन सिंह ने सचिव स्तर के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई। कमेटी को कार्य दिया कि वो सभी कारखानों को फिर से शुरू करने का ब्लूप्रिंट तैयार करे। 2011 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 4 अगस्त 2011 को केंद्रीय कैबिनेट ने सभी कारखानों को दोबारा शुरू करने के लिए कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनियों को चुना, जिसमें गेल, सेल, CIL जैसी कंपनियां शामिल थी। मनमोहन सरकार ने गोरखपुर और कोरबा यूनिट को दोबारा शुरू करने के लिए प्राइवेट बिडिंग कराने का भी फैसला किया। 9 जून 2013 को मनमोहन कैबिनेट ने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लोन और ब्याज को माफ कर दिया। 27 जून 2013 को वित्त मंत्रालय के बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ने कंपनी की संपत्ति को दोबारा रिलीज कर दिया। PFIR से बाहर आते ही गोरखपुर कारखाने को दोबारा शुरू करने की कवायद तेज हो गई। 2014 में केंद्र सरकार बदल गई। नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद बने रहे।
बतौर सांसद कई बार योगी ने इस मुद्दे को उठाया भी। 22 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस कारखाने को फिर से शुरू करने का बेड़ा उठाया। इस दिन पीएम ने खाद कारखाने का शिलान्यास किया और आज यानी कि 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने कारखाने का उद्घाटन किया। यूपी में अभी तक इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफको के प्लांट पहले से ही मौजूद हैं। प्रयागराज के फूलपुर और बरेली के आंवला में यूरिया बनती है, लेकिन अब इस लिस्ट में एक बार फिर से गोरखपुर का नाम जुड़ गया है। खाद कारखाना खुलने से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। यूपी में बीजेपी इन विकास कार्यों को अपना बताकर चुनाव प्रचार में भुना रही है। सिर्फ यही नहीं, जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास करेंगे।